Today I will teach you our 12th class second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. What is the name of the poem? An Elementary School Classroom in a Slum. Who is the poet? Stephen Spender. Poet ka naam yaad karne ke liye hum jo hai poem ke name se hi isme s jo hai usko correlate kar sakte hain, jise yaad karne ke liye easy ho jayega. S for school, S for Stephen, S for slum, S for spender. Stephen Spender और poem An Elementary School Classroom in a Slum. जो Stephen Spender है, he is an English poet, essayist और as well as he is also a socialist. उसने social inequalities, injustice से related जो है बहुत सारे poems, stories, essays जो है वो लिखे हैं, जिनमें वो describe करता है कि discriminations between rich and poor. जैसा कि हम अपने इस पोएम के पार्ट वन में फर्स्ट टू स्टांजास कर चुके हैं, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड स्टांजा एंड सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस पार्ट. नाउ नेक्स्ट आवर थर्ड पैसेज. श्योरली शेक्सपियर इज वीट द मैन ए बैड एग्जाम्पल with ships and sun and love tempting them to steal for lies they slyly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slag heap these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as a big as tomb. अब पोइट क्या कहते हैं आगे? Surely मतलब निश्चित ही जो है शेक्सपियर जो है वो बेकार है, यानी कि जो वो तस्वीर शेक्सपियर की वहां पर टंगी हुई है उनके इस क्लासरूम में वो बेकार है, यानी कि उनके लिए वो काम की चीज नहीं है. और मानचित्र जो है मैप ऑफ द ए बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र भी लगा हुआ है उनके जो क्लासरूम में वो भी उनके लिए नहीं है, एक बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा उदाहरण है, जिसमें विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्प्टिंग देम टू स्टील, जिसमें जहाज है और सूर्य है और लव और प्यार है जो उनको टेम्प्टिंग मतलब लुभाना, उनको लालच हो जाता है उस चीज का, वो उनको वो आकर्षित हो जाते हैं उस चीज की तरफ. किसकी तरफ? देन स्टील, कि इस संसार को देखकर वो स्टील यानी कि चोरी करने के लिए जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, चोरी करने की उनको प्रेरणा मिल जाती है इस चीज से, कि ताकि वो भी इस संसार में जा सके जो संसार उस पिक्चर में दिखाया गया है. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पल्ड होल्स, और जो ये जीवन है उनके स्लाइली टर्न यानी के चोरी चोरी से मतलब धीरे धीरे जो है टर्न बदल जाता है इन देयर क्रैम्पल्ड होल्स. क्रैम्पल्ड होल्स, होल्स वैसे बिल होता है, बट लेकिन यहाँ पर जो होल है वो उनके घरों को मतलब उनके बारे में यूज किया गया है. और क्रैम्प्ड मतलब नैरो, तंग यानी के छोटे छोटे जो है घर, तो उनके जो क्रैप्ड होल्स यानी कि छोटे छोटे जो उनके घर हैं वो उनका जो जीवन है वो छोटे छोटे कच्चे घरों के ढेर के रूप में बदल चुका है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ऐसी धुंध में जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिस रात का, ऐसी धुंध वाली रात में उनका जीवन जो है वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है. ऑन देयर स्लैग हीप दीस चिल्ड्रन वियर स्किन पिप थ्रो, और ऑन देयर स्लैग हिल्स, और उनके जो स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल, जो खराब हुई हुई चीजें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के जो हीप्स यानी के जो ढेर हैं, दीज चिल्ड्रन, और वो इस तरह के कच्चे ढेरों में, वेस्ट मटेरियल के ढेरों के पर जो है उनकी वो बस्तियां हैं, उनके जो स्कूल हैं वो ऐसी जगहों पर जो है वो रहते हैं. वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उनकी जो स्किन, उनकी जो त्वचा है वो भी इतनी पतली हो गई है कि पिप्ड मैंने छांकना,
दिखाई देना थ्रू बाय बोन्स, और उनके शरीर में से जो उनकी जो बोन्स जो हड्डियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, उनकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है, इतना पतला उनका शरीर जो है वो बिल्कुल पतला है। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस, और उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, कैसे स्पेक्टेकल्स मैंने चश्मा, तो चश्मे पहने हुए हैं ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस, पुराने ग्लास से, पुराने कांच से, ग्लास से बने हुए पुराने लोहे के चश्मे जो है वो उन्होंने पहने हुए हैं। लाइक बोटल बीड्स ऑन स्टोन, जैसे कि जो उनके जो चश्मे हैं वो कैसे लग रहे हैं कि मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और उनका जो समय है और जो जगह है, स्थान है, वो गंदी बस्तियां ही हैं, डर्टी स्लम ही हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज टाउन एज बिग एज डूम, और इसलिए उनके जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां जो हैं वो एक डूम यानी कि विनाश के रूप में दिखाई देती हैं, और उनका जो संसार है वो धुंधला संसार है, भविष्य उनका धुंधला है। तो उनके पास इतनी सारी सुविधाएं जैसे रिच चिल्ड्रंस के पास होती है वो सुविधाएं ऐसे, उनके जैसे स्कूल नहीं है उनके पास, उनके जैसे घर नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इन द सन। अब पोएट आखिर में क्या कहते हैं कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जो गवर्नर हैं इंस्पेक्टर हैं और जो इस संसार में जो उन बस्तियों के उनको देखने के लिए, उनके स्कूल को देखने के लिए, चेक करने के लिए, जो सभी जो सिटीजन्स जो नागरिक हैं, जैसे कि कोई गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, और हम हमारे जैसे लोग भी जो है उनके पास अगर जब आते हैं तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज, जो संसार मानचित्र जो है वो उनका जो संसार जो बन चुका है गंदी बस्तियां स्लम एरिया में, उनके जो स्कूल हैं उनके पास सुविधाएं नहीं है, इस तरह का संसार मानचित्र जो है वो उनका जो बन चुका है, जो ये विंडोज यानी कि उनका जो संसार है उसके लिए हमें जो है वो कुछ करना चाहिए। दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, और जो ये क्योंकि जो उनका जो गंदी बस्तियों का जो संसार है, स्लम एरिया का जो स्कूल है, इस तरह की जो जगह है, शट अपॉन देयर लाइव्स, उन्होंने उनके जीवन को बिल्कुल बंद कर दिया है। शट मैंने बंद करना, कैसे लाइक देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, कैटाकॉम्ब्स मतलब कब्र, एक कब्र की तरह जो है वो बंद कर दिया है उनका उस संसार, उनका जो गंदी बस्ती वाला सब संसार है वो इस तरह से उसी संसार की एक कब्र में जो है उनका भविष्य जो वो बंद हो गया है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अब पोइट कहता है कि हमें तोड़ना चाहिए इस जो परंपरा जो ये चली आ रही है, इस चीज को हमें तोड़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए, बंद करना चाहिए ये चीजें। तो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और हमें तब तक उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके उस संसार को तोड़ देना चाहिए, कुछ नया संसार उनको देना चाहिए, जब तक कि वो शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, क्यों, क्योंकि ताकि जो वो बच्चे हैं वो भी ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे हवादार खेत जो है वो भी देख सकें, मेक देयर वर्ल्ड और अपना संसार बना सकें, रन एज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स यानी कि सुनहरे रेत पर, एज़्योर यानी कि नीला आसमान, एज़्योर मतलब नीला आसमान, उस सुनहरी रेत पर नीले आसमान में वो एक अपना नया जो संसार है वो बना सकें। एंड लेट देयर टंग्स, और उनको फ्रीडम उनको आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो अपनी भाषा में जो वो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं,
रन नेट इनटू बुक्स, अपनी मनपसंद की भाषा में अपनी मनपसंद किताबें ताकि वो पढ़ सकें, और वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, और उनके जो सफ़ेद पन्नों पर जो वो किताबें, उनकी मनपसंद किताबें जो लिखी गई हैं, उनके मनपसंद जो बुक्स हैं, मनपसंद उनकी जो भाषा है, अगर हम उनको इस तरह का संसार देंगे तो वो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इन द सन। अगर उनको ऐसा संसार दिया जाए, पोइट कहते हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो एक ऐसा संसार क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास बना सकते हैं, हूज लैंग्वेज इन द सन, जिनकी भाषा जो है वो सूर्य की तरह चमक रही है, यानी कि उनकी मनपसंद लैंग्वेज में अगर उनको कुछ सीखने के लिए दिया जाए तो वो भी जो है बच्चे, जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी एक इतिहास जो है वो रच सकते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोइम, गस्टी हवादार, वीड्स खरपतवार, वाइल्ड प्लांट्स, पेलो पेल पीला, टीयर फटा हुआ, टीयर का एक मतलब आंसू भी होता है, वेट डाउन बेंट झुका हुआ, पेपर सिमिंग पतला, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, श्योर फेडेड धुंधला, डूम ग्लोब गुंबद, फोक धुन, नैरो तंग यानी कि भीड़ा पतला, लीड स्काई डल स्काई, विक्ट बेकार, टेम्पटिंग लुभाना, स्लैक वेस्ट मटेरियल, ब्लॉट ब्लैमिश दाग, डूम विनाश रुन, कैटागोम्स कब्र, एज्योर नीला, स्लाइली चोरी चोरी। हेलो, नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोइम। फर्स्ट, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों के चेहरे के बारे में वो कैसे डिस्क्राइब करता है, पेल है, अनटाइडी है, लाइक रूटलेस वीड्स। सेकेंड, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब सम ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हुए कुछ बच्चों के बारे में वो कैसे डिस्क्राइब करता है पोइट, कि एक टॉल गर्ल है, वो सिटिंग वेट डाउन हेड सिर झुका कर नीचे बैठी हुई है, पेपर स्लिमिंग बॉय है विद लुक लाइक्स रेड आइज। थर्ड, वेयर व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की दीवारों पर क्या था, शेक्सपियर की पिक्चर थी और एक ओपन वर्ल्ड मैप था जो उनके वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट था। फोर्थ, What does the poet say about the open-handed man, map? Open-handed map से क्या मतलब, कि जो बाहरी जो संसार है उसके मानचित्र के बारे में जो है वो जो क्लासरूम में टंगा हुआ था जो उनके संसार से बिल्कुल डिफरेंट था। What does the poet say about the world of the children living in a slum, जो slum में रहने वाले हैं, कि वो के बहुत कमज़ोर हैं और उनका जो संसार है वो बिल्कुल इस संसार से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, वो पुअर हैं। व्हाई डज, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से शेक्सपियर इज विक्ट, शेक्सपियर को बेकार क्यों कहा, क्योंकि जो शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो उन बच्चों के लिए कोई काम की नहीं है। व्हाई डज द मैप हैड बीन सैड टू बी बैड एग्जाम, मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों कहा गया है, क्योंकि जो दीवार पर जो मैप लगा हुआ था वो उनके इस संसार से बिल्कुल अलग था, समुद्रों से, खेतों से, बाहरी संसार से वो बिल्कुल, उनका संसार बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट, हाउ डज द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम बीन डिस्क्राइब, कि उनका जो जीवन है वो स्लम में कैसे उनका डिस्क्राइब किया गया है, कि वो पुअर हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं इस तरह से, और हाउ कैन द कंडीशन ऑफ ए स्लम चिल्ड्रन बी इम्प्रूव्ड, और उनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे। पोइट वांट्स सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, कि उनके लिए जो है उनका जो वर्ल्ड है, उस जो संसार है उसको बदला जाए।